नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि शारदीय नवरात्रि कब है? 6 या 7 अक्टूबर। कलश स्थापना कब है तथा 2021 में इसकी सही तिथि क्या रहेगी? और नवरात्रि से पहले आप वो कौन सी एक चीज़ ले आएंगे जो कि आप लोगों के घर में पूरी बरकत देगा और माता रानी साक्षात आप लोगों के पूजा को स्वीकार करके आप लोगों के घर में दर्शन देगी तथा आप लोगों के जीवन के हर प्रकार के समस्याओं से किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है, किस प्रकार से जीवन में सुख समृद्धि को पाया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सारी जानकारी। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप अगर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो इस बार माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पर जरूर बनेगा। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होती है। शास्त्रों में इन नवरात्रों का विशेष महत्व भी बताया गया है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से जीवन में सिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। आश्विन मास में आने वाली नवरात्रि सितंबर अक्टूबर माह में आती है। अष्टमी नवमी तिथि को कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शारदीय नवरात्रि का समापन 10वीं तिथि को विजयदशमी के रूप में किया जाता है। आज हम आपको शारदीय नवरात्रि 2021 की तिथियां, कलश स्थापना का मुहूर्त, पूजा विधि और इस दौरान किन चीजों को घर में लाने से शुभ आपके लिए शुभ होता है, इस विषय में जानेंगे सारी जानकारी विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, साल 2021 में शारदीय नवरात्रि का व्रत पावन पर्व जो है वो 7 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होंगे 6 अक्टूबर संध्या 4:34 पर, वहीं प्रतिपदा तिथि समाप्त होंगे 7 अक्टूबर संध्या 1:46 पर। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 7 अक्टूबर प्रातःकाल 6:17 से प्रातःकाल 7:17 तक रहेगा। कलश स्थापना अभिज्योत मुहूर्त जो होगा वो 7 अक्टूबर सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहने वाला है। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और बड़े ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। पहले दिन कलश स्थापना का विधान होता है। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश या घट स्थापना करके कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में आप सप्त धान्य और बो ले। अब उसमें जल से भरा कलश रखकर रोली से उस पर स्वास्तिक बना लें। दोस्तों, कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांध कर उसे मिट्टी के पात्र में रख दें। अब कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते रखें। कलश में सिक्का और दूध डाल के इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवताओं और देवी माँ का आवाहन करें, विधिवत माता शैलपुत्री की पूजा उपासना करें। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले आप घर में जरूर एक चीज लाएं, वह चीज है नवरात्रि के 9 दिनों में आप हर कोई माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा उपासना करता है। और वास्तु शास्त्र के अनुसार शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजें बताई गई हैं जिन्हें आप अपने नवरात्रि में अगर घर लाते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे नवरात्रि के दौरान घर में लाना अति शुभ होता है। मित्रों, माना जाता है नवरात्रि के दौरान में सोने या चांदी का सिक्का लाना बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि में घर में केले का पौधा लाकर लगाना और नित्य इसकी पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा यदि आप नवरात्रि में कमल का पुष्प कमल पर विराजमान मां की प्रतिमा या मोरपंख घर लाते हैं तो आप पर सदा माता रानी की कृपा बरसती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप 16 श्रृंगार का सम्मान घर लाना भी आपको बहुत ही जरूरी होता है। उसमें माँ दुर्गा को अर्पण करना चाहिए, इससे माँ दुर्गा की कृपा सदैव आपके घर में बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी जो शारदीय नवरात्रि के बारे में मैंने आपको बताई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।